नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टू लर्न चेस नोटेशन एंड राइट द चेस गेम। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोर पैड पर वाइट साइड में मेरा नाम लिखा है दीपक सोनी, उसके बाद थोड़े से गैप के बाद ब्लैक प्लेयर को अपना नाम लिखना है, आज की डेट और डे भी मेंशन है। अब मेरे नाम और ब्लैक प्लेयर के बीच में जो आप ये 1-0 दिख रहे हैं वो इसलिए लिखा है कि अगर वाइट गेम जीतता है तो 1-0 लिखते हैं, उसके बाद लिखा है 0-1। अगर ब्लैक गेम जीता तो हम लिखेंगे 0-1, उसके बाद लिखा है 1/2-1/2। अगर ये गेम ड्रॉ हो गया तो दोनों प्लेयर को हाफ ऑफ पॉइंट मिलेंगे, तो हम 1/2-1/2 लिखेंगे गेम ड्रॉ होने पर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर वाइट ब्लैक, सीरियल नंबर वाइट ब्लैक, इस तरह से मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। आइए गेम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सिपाही है ए पॉन, बी पॉन, सी, डी, ई, एफ, जी और एच है। फ्रॉम ए फाइल टू एच फाइल, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिकल लाइन ऑफ स्क्वायर्स को फाइल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ स्क्वायर्स को रैंक कहते हैं। तो ये फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक अप टू एट्थ रैंक। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर जानेंगे कि ये जो स्क्वायर है वो ए वन स्क्वायर है। ए प्लस वन इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर। तो ए टू, ए थ्री, ए फोर से लेके ए एट स्क्वायर, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर से बी एट स्क्वायर होगा, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर से लेके सी एट स्क्वायर होगा, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर से लेके डी एट स्क्वायर होगा। सेम ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर से लेके ई एट तक स्क्वायर्स जाएंगे। इस तरह से टोटल स्क्वायर्स 64 होते हैं। एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, एफ सिक्स, एफ सेवन, एफ एट। सेम जी वन से जी एट और एच वन से लेके एच एट स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पर हम पीसीस के नाम भी समझ लें, हम पीसीस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उनका जो वर्ड है जैसे कि किंग, क्वीन, रूक, नाइट और बिशप, ये इन पीसीस के नाम हैं। तो हम इनके फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं लिखने के लिए। किंग के लिए हम के लिखेंगे, क्वीन के लिए हम क्यू लिखेंगे, रुक के लिए हम कैपिटल लेटर आर लिखेंगे, नाइट के लिए हम कैपिटल लेटर एन लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी के हमारे पास है, और बिशप के लिए हम कैपिटल लेटर बी लिखेंगे। पॉन जिस स्क्वायर्स पर चलता है हम डायरेक्टली उसी स्क्वायर का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ ई फोर सी फाइव। उसी तरह मैं यहाँ पर नोट करूँगा मूव्स ई फोर और सी फाइव, ठीक है। तो इस तरह से गेम नोट की जाती है। अब यहाँ पे होगा एन एफ थ्री, नेम ऑफ द पीस एंड नेम ऑफ द स्क्वायर विच इज एच जी एफ 1 2 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एन एफ थ्री। ब्लैक ने खेला ई सिक्स, ब्लैक ने ई वाले पॉन को चला है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ई सिक्स। वाइट ने खेला डी फोर। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम पॉन को डेस्टिनेशन स्क्वायर पर चलते हैं तो डायरेक्टली उस स्क्वायर का नाम लिखते हैं। ब्लैक ने खेला यहां पे सी क्रॉस डी फोर। अब ये क्रॉस वर्ड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सी वाले पॉन ने यहां पर कैप्चर किया था डी फोर स्क्वायर पे। तो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हम हमेशा क्रॉस या कैप्चर या इनटू वर्ड का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा नाइट इनटू डी फोर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल लेटर एन, कैपिटल लेटर एक्स बनाऊँगा मारने के लिए ताकि बच्चों को क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पर कुछ कैप्चर किया गया है। अब इसके बाद ब्लैक ने खेला नाइट एफ सिक्स, नेम ऑफ द पीस इज एन एंड नेम ऑफ द स्क्वायर इज एफ सिक्स। और मैं आप देख रहे हैं जैसा कि मैं नोट भी कर रहा हूँ एन सी थ्री, नेम ऑफ द पीस इज एन और मैंने चला उसको सी थ्री स्क्वायर के ऊपर। ब्लैक ने खेला यहाँ पर डी सिक्स। ये मैं एक रैंडम गेम खेल रहा हूँ आपको नोटेशन लैंग्वेज सिखाने के लिए। अब मैंने खेला बी ई टू, बिशप ई टू,
तो कैपिटल लेटर बी आएगा, स्क्वायर आएगा ई टू। ब्लैक ने खेला बी ई सेवन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं साथ में नोट भी करते जा रहा हूँ, हमेशा प्लेयर्स को गेम नोट करके खेलना चाहिए, बिकॉज अगर आपका गेम नोटेड है, लिखा हुआ है, तभी आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने कैसलिंग की है, तो कैसलिंग के लिए हम लिखते हैं 0-0। ब्लैक ने भी कैसलिंग करी तो हम लिखेंगे 0-0। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर प्लेयर लॉन्ग कैसल करता, यानी क्वीन साइड की तरफ कैसल करता, तो हम यहाँ पे 3-0 मेंशन करते, 0-0-0, यानी 3 zeros, 0-0-0। अब वाइट की मूव है, मैंने खेला यहाँ पर बिशप g5, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर bg5। ब्लैक ने खेला h6। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं साथ में नोट भी करते जा रहा हूँ और खेलते भी जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको मारना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा b×f6। ब्लैक ने भी यहाँ पर खेला b×f6। यहाँ अगर ब्लैक जी वाले पॉन से मारता तो यहाँ पे लिखा जाता स्मॉल लेटर में g×f6। यहाँ जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ हम पीसीस के नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जब भी हम पॉन्स को चलते हैं और स्क्वायर का नाम लिखते हैं तो हम हमेशा स्मॉल ABCD का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ QD2। जैसा कि मैं मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्लेयर को हमेशा 10 से 15 चाल में सारे पीसेस बाहर निकाल कर खेलना चाहिए, किसी भी एक साइड कैसलिंग करना चाहिए और दोनों रुक्स को किंग क्वीन की प्लेस पर लाना चाहिए। ब्लैक ने यहाँ पर खेला है NC6, Nc6 स्क्वायर। अब वाइट की बारी है, मैंने यहाँ पर खेला H3। ब्लैक ने यहाँ पर खेला बिशप D7। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमेशा प्लेयर्स को गेम लिखकर खेलना चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों रुक सेम स्क्वायर पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को स्टूडेंट को ये समझाना है कि जब भी आप रुक चलते हो तो रुक जिस फाइल पर है वो फाइल उसकी सरनेम बन जाती है। तो यहाँ पे मूव बनेगा RAD1, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा RAD1, ये वाइट का मूव है। अब ब्लैक ने यहाँ पर खेला QC7। तो इस तरह से गेम रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं खेल रहा हूँ RFE1, RFE1। अब ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने खेला यहाँ पे RAD8। चेस में रुक और नाइट, ये दोनों पीस ऐसे हैं कि अगर ये दोनों पीस कई बार दोनों सेम स्क्वायर पर आते हैं तो वहाँ पे उसको डिफाइन करना ज़रूरी है कि ए वाला रुक डी पे गया है कि एफ वाला रुक ई पे गया हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरी मूव है, यहाँ पे मेरे दोनों नाइट B5 स्क्वायर पर जा सकते हैं। तो अगर मैं इस नाइट को यहाँ चलूँगा तो मैं लिखूँगा NC B5, और अगर मैं इस नाइट को यहाँ चलूँगा तो मैं लिखूँगा ND B5। तो मैं यहाँ पर इस नाइट को चलना चाहता हूँ, तो अब मैं लिखूँगा ND B5। ब्लैक ने यहाँ पर खेला A6। तो इस तरह से हम गेम को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई बार अगर दोनों रुक सेम फाइल पर रखे हुए हैं या दोनों नाइट अगर सेम फाइल पर रखे हुए हैं, जैसे सपोज अगर ये नाइट यहाँ रखा हुआ होता और अगर अब मैं इस नाइट को यहाँ से यहाँ चलता, तो दोनों नाइट चूँकि बी फाइल पर रखे हुए हैं तो मैं NBD4 नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पे लिखता N3D4। और अगर मैं इस नाइट को यहाँ चलता, जब ये नाइट यहाँ पर होता, तो मैं लिखता N5D4। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे चेस नोटेशन की जाती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से मूव्स को लिखा है। इसी तरह से प्लेयर को चेस नोटेशन करना चाहिए।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक ने ए सिक्स खेला हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहता हूँ नाइट ए थ्री, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन ए थ्री। ब्लैक ने खेला यहाँ पे इस रुक को यहाँ चला। तो हम ऐसा समझाते हैं बच्चों को कि अगर रुक और नाइट के केस में डेफर करना हो तो सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद वो जिस फाइल पे या जिस रैंक पे या नंबर पर है हम वो लिख सकते हैं। यहाँ फाइल का केस है तो दोनों रुक ई एट पे आ सकते थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा आर एफ ई एट। तो इस तरह से ये चेस नोटेशन हमको समझना है और गेम कैसे लिखते हैं ये आज हमने देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।